मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत थाना क्षेत्र का है, जहां ससुराल में रहने वाली दो बेटी की मां को पति ने अपनी ही पत्नी को बेचकर मुजरा करवाया। दरअसल पीड़िता ने बताया कि मैं दो बेटी की मां हूं, मुझे दो बेटी होने पर मेरे पति ने मुझे छोड़कर दूसरी शादी रचा ली। मेरी शादी 2013 में मधेपुरा जिला में शंकरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत इकरवा का रहने वाले शाहनवास से हुई थी, जिसमें शाहनवास से मुझे दो बेटी हुई। दो बेटी होने के कारण मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। जब मैंने अपने परिवार वालों का सहारा लेकर कोर्ट में जाकर कानून की शरण ली, कोर्ट में मैंने वकील के द्वारा अपने पति शाहनवास पर मेंटेनेंस का मुकदमा दर्ज करवाया, लेकिन मुकदमे की अंतिम सुनवाई से पूर्व 2 अप्रैल को उसके पड़ोसी सलीमा खातून त्रिवेणीगंज बाजार सामान खरीदने के बहाने ले गया, जहां एक होटल में पूर्व से ही मेरे पति की सलीमा खातून के पति राजू बैठा था। बाद में मुझे बस में बैठा कर सारण लेकर चला गया, जहां सलीमा खातून और उसके पति राजू ऑर्केस्ट्रा चला रहा था। ऑर्केस्ट्रा में बाहर की भी लड़कियां थीं, जिसमें ऑर्केस्ट्रा में नचवाया जाता था। मुझे भी ऑर्केस्ट्रा में ज़बरदस्ती नचाया करता था, साथ ही मुझसे गलत काम भी करवाया जाता था। 3 अगस्त को सलीमा खातून एवं उसके पति राजू घर पर नहीं थे। उसी बीच 4 महीने बाद मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर घर से भाग कर आई हूँ। वहीं पीड़िता के परिजनों ने त्रिवेणीगंज पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि 4 महीने पूर्व में ही 97/21 FIR दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं मामले को लेकर त्रिवेणीगंज थाना द्वारा लड़की का बयान दर्ज कर उसे मेडिकल के लिए सुपौल सदर अस्पताल लाया गया। मामले को लेकर ASI मदन पोदार ने बताया कि पीड़िता के पिता द्वारा अपहरण का मामला दर्ज करवाया गया था। मामले में पीड़िता का 161 का बयान के साथ मेडिकल जांच भी करवाई जा रही है। बयान दर्ज किया गया है और जांच अभी जारी है। अब देखना लाजमी होगा कि पीड़िता के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ क्या कार्यवाही होती है, पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है, कब तक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। कितने दिन पहले? 4 महीना हो गया। अच्छा, तो फिर वहाँ से निकली कैसे तुम? ये लड़की मेरा ही घर के पास का था, तो ये चली आई और हमको रूम पे छोड़ दी, तो हम सरकारी बस के भाग के आए। पति क्यों तुम्हारा वहाँ ले जाके नचवा रहा था? पति हमको छोड़ दिया है, दूसरा शादी कर दिया, उसे हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, तुमको नचवा क्यों रहा था, मतलब बेच क्यों दिया तुमको? पता नहीं हमसे क्या दुश्मन होगा। क्या नाम है तुम्हारा? रोजी प्रवीण। कहाँ घर हुआ? लतौना। तुमको यहाँ से कब लेके गया? 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया, फिर घर कैसे आई थी? भाग के आए हैं सरकारी बस से। भाग के कहाँ गई पहले? भाड़ा नहीं था हमारे पास। अच्छा, सरकारी बस से आए भाग के। अच्छा, त्रिवेणीगंज जी। अभी कहाँ आई हो? अभी तो सुपौल आई। सुपौल आई हो, किनके साथ आई हो? पापा मम्मी है। हाँ बोलो, किसके साथ आई? पापा मम्मी प्रशासन के साथ आए। तो क्या चाह रही है? क्या चाह रही है? इंसाफ चाह रहे हैं। ठीक, कौन है आपकी वो बेटी? थी जी। क्या मामला हुआ? किडनैप करके ले कौन ले गया? किडनैप करके हमारा जामिया सलीम जी। कहाँ ले गया जी? कहाँ ले गया? अब कहाँ ले गए वो पता नहीं चले। अच्छा ठीक, आपके पास कैसे आपकी बच्ची आई फिर? अपने ये ले गए। अपने चले आए। अभी कहाँ आए आप? हॉस्पिटल पुलिस के साथ। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ। इंसाफ चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सैमुल खातून। कहाँ घर हुआ? लतौना। पति का क्या नाम हुआ? मोहम्मद मनीर। कहाँ आए हैं आप? 2013 में बच्चा का शादी किया, उम्र 3 में, थाना शंकरपुर जिला मधेपुरा में। हमारे बच्चा को 2 लड़की हुआ कुछ दिन के बाद। 2 लड़की हुआ तो वो लड़का क्या किया तो इसको मारपीट के भगा दिया, वो दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी कर लिया तो हम सुपौल में आके हम डोरिया केस किए।
तो वकील बोला से मैं डोरिया केस क्या है तो कब किए थे कौन ईस्वी में कौन ईस्वी में किए थे डोरिया केस 2017 में अच्छा ठीक 2017 तो हम केस किए तो वकील बोला से मेंटेनेंस भी केस कीजिए मेंटेनेंस केस किए मेंटेनेंस का केस सुनाता उसको मेंटेनेंस उतने में एक दो रोज के बाद तारीख था वो बीचे में उठा लिया लड़की को मैं किसने उठा लिया मंजूर मंजूर कौन है आपका समधी अच्छा शाहनवाज मजलिस अच्छा सदरे आलम कितने दिन के बाद बरामदगी हुई आपकी बच्ची क्या मामला है मेटर बताइए मेटर किस मेटर से आपको कहना चाहते अभी जिस लड़की का मेडिकल करवाने आए हैं क्या मामला है सर इसका मामला है इसका फादर अपहरण का केस किया था इसमें हमने अनुसंधान किया हम ही अनुसंधान करता थे जी जी तो अनुसंधान के दौरान मुझे गुप्तचर के द्वारा पता चला कि ये लड़की सिवान छपरा में नर्तकी का काज करती है हम वहाँ जा कर के रेड किए दो तीन थाना सहयोग से हमने छापामारी किया लड़की तो बरामद नहीं हुई लेकिन जब मैं घर पर आकर के दबाव डाला जो लड़की इसको लेकर के गई थी फिर दो तीन दिन के बाद लड़की अपने घर पर आई उस बीच में हम छुट्टी में थे तो थाना अध्यक्ष के द्वारा इसका 161 का बयान करवाया गया हम छुट्टी से जब आए हैं तो इसका मेडिकल करवा रहे हैं कोर्ट के आदेश के अनुसार लड़की का आरोप है कि उनके पति द्वारा उनको बेच लिया गया था उनसे यौन शोषण करवाया जा रहा था क्या अब इस संबंध में कुछ जानकारी नहीं क्या नाम है सर आपका एसआई मदन पोदार